अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? वीकेंड कैसा गुजरा? वेरी गुड। और रोजा किस किसने रखा? वेरी गुड, काफी सारों ने रखा भाई, बड़ी अच्छी बात है। और रमजान में आपने देखा होगा कि थोड़ी सी रूटीन हमारी चेंज हो जाती है ना, जैसे हम सुबह में स्कूल, हम तो आ रहे हैं, आप लोग घर पे हैं, लेकिन जैसे हम सुबह में स्कूल आते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाता है, हम घर जाते हैं, घर जाके फिर फौर आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं होती, नमाज पढ़ते हैं हम रूटीन में, बल्कि ज़्यादा तवज्जो करते हैं नमाज की तरफ और कुरान की तरफ और इबादात की तरफ, हमारा रुझान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो जो अफ्तारी का टाइम करीब आता है तो मैं नोट करती हूँ, बच्चों को ना खाने की फिक्र ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, हम समझ सकते हैं, ज़ाहिर है वो टाइम होता है, सारे दिन में आप भूखे रहे होते हैं, प्यासे होते हैं, लेकिन आप हमें बीइंग मुस्लिम्स अफ्तार में भी ज़्यादा जो जोर है वो दुआ पे देना चाहिए, ठीक है? खाने पे, खाना भी ज़रूरी है बिल्कुल, बॉडी में एनर्जी होगी तो इबादत भी होगी, और खाने के से पहले दुआ पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है? चल, ये तो रमज़ान के बारे में कुछ बात होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं आज कल? व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट व्हिच वी आर डूइंग दिस डे? इट इज यूनिट नंबर 1, यस, एंड इट इज इस्लामाबाद, राइट? वी आर वर्किंग विद द यूनिट इस्लामाबाद। सो लेट्स फर्स्ट रिवाइज व्हाट एवर फैक्ट्स वी हैव रेड अबाउट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, एग्जैक्टली। एंड व्हाट स्पेशल अबाउट इस्लामाबाद? एक तो कैपिटल सिटी है, इसके अलावा क्या स्पेशल है इस्लामाबाद के बारे में? बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अ प्लान्ड सिटी। ये बार बार हर लेसन में बातें रिवाइज हो रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपके जहन में ये बातें रहें। यू मस्ट हैव दीज फैक्ट्स इन योर माइंड अवेलेबल वेन एवर टू टेल वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड और दे आर बींग आस्क्ड, ठीक है? प्लान सिटी है, इट वॉज बिल्ट इन 1960 एंड इट इज अ ट्विन सिटी विद विच सिटी? रावलपिंडी, बिल्कुल सही। अब मुझे बताएं, रावलपिंडी नया शहर है या पुराना शहर है? रावलपिंडी इज अ न्यू सिटी, इज एन ओल्ड सिटी। इस्लामाबाद इज अ न्यू सिटी एज कंपेयर टू रावलपिंडी, ठीक है? लेकिन ये दोनों एडजेसेंट हैं, साथ साथ हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्विन सिटीज। राइट, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पीपल ऑफ इस्लामाबाद, दैट देयर आर मोर देन 1 मिलियन पीपल हु लिव इन इस्लामाबाद। वी हैव टॉक्ड अबाउट द एजुकेशन, दैट देयर आर मोर देन 900 इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इस्लामाबाद, इंक्लूडिंग कायदे आज़म यूनिवर्सिटी एंड नास्ट एंड इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी and many other colleges and schools, right? And the climate is hot and humid in summers, garmi bhi hoti hai aur barish bhi hoti hai aksar aukat. Iske ilawa jo hum baat karte hain winters ki, to the winters are cold lekin mild hain, it's not ke bahut hi zyada sardi wahan pe ho. The climate is, and in winters it's also mild, but winters are very pleasant and enjoyable in Islamabad. ठीक है, उसके बाद its environment is very
ग्रीनी एनवायरमेंट बेहतर है, पोल्यूशन काफी ज्यादा हो गई है क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ गई है वहां पे, लेकिन फिर भी हमारे लाहौर से काफी हद तक बेहतर है क्योंकि वहां पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, प्लांट सिटी है तो, और वैसे भी मार्गला हिल्स में है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज सराउंडेड बाय मार्गला हिल्स। मार्गला हिल्स आर द फुट हिल्स ऑफ हिमालया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिमालय की फुट हिल्स या उसकी बॉटम पे जो छोटी पहाड़ियां होती हैं वो मार्गला हिल्स की हैं, और वहां पे ये सारा इस्लामाबाद का एरिया जो है इट्स लोकेटेड इन द मार्गला हिल्स। ठीक है, इसके बाद हमने वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट रावल लेक, है ना, रावल झील के बारे में भी हमने बात की, वो कहाँ है, वेयर इज रावल लेक, जैनब, इट इज इन इस्लामाबाद ऑफ कोर्स एंड इट इज मेड ऑन विच रिवर, Khorang, very good, and it provides water to Islamabad, Rawalpindi Islamabad, ठीक है। अब इसमें एक डैम है, रावल लेक पर एक डैम भी बनाया गया है जिसको कहते हैं रावल डैम। अब डैम्स का क्या काम है, डैम्स का काम होता है, मेजर काम इज स्टोरेज ऑफ वाटर एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की प्रोडक्शन काम है रावल डैम का और बाकी के जो डैम्स बनाए जाते हैं। अच्छा, फर्दर नाउ एज वी हैव डन द रिटन वर्क ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दिस यूनिट, टूडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस यूनिट। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू ओपन अप योर नोटबुक्स, ड्रॉ मार्जिन लाइन्स, डेट एंड डे, एंड विल बी स्टार्टिंग आवर वर्क। ओके, कम ऑन क्विकली। Margala Hills in the north of Pakistan. Are the spellings clear? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Stop now. I'm going to erase it. Question number two. Question number two. Explain the importance of Islamabad and Rawalpindi. Now explain the importance of Islamabad and Rawalpindi. Kaun batayega importance of Islamabad and Rawalpindi? हाँ, उनका ब्लैंक छोड़ दें जो नहीं जमा करा रहे।
शिट ओके टेल मी व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी इस्लामाबाद इज इंपॉर्टेंट इस्लामाबाद तो खुद इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इज इंपॉर्टेंट एज बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान Islamabad is important as being the capital city of Pakistan. ठीक है? And why is Rawalpindi important? जी? Yes, Rawalpindi is important because it has the headquarters of Pakistan's armed forces. Right? Rawalpindi is important because it is the headquarters of Pakistan's armed forces. इसलिए रावलपिंडी भी important है जितना इस्लामाबाद important है. तो मैं यहां आपको ये लिख चुके हैं आप ठीक है. इसके बाद मैं यहां आपको लिख देती हूं या हम ऐसा करते हैं Rawalpindi is important as it is the headquarter, controlling center जो होता है ना वो headquarter होता है किसी भी शोबे का headquarter. तो यहां से हमारे controls हैं सारे हमारे armed forces के. तो इट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है. दिस इज द कंप्लीट आंसर नाउ दैट रावलपिंडी इज इंपॉर्टेंट एज इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस And Islamabad is important as being the capital city of Pakistan. Please write it neatly. Done. Shall I move forward now? Okay, I'm going to erase it now, okay? Question number 3, write two sentences about Margalla Hills. Now tell me any two important facts which you have read about Margalla Hills. अभी इस यूनिट में हमने पढ़ा है ना. वी मे टेल द लोकेशन ऑफ मार्गला हिल्स. वी मे टेल दैट इस्लामाबाद इज सराउंडेड बाय मार्गला हिल्स. वी मे टेल दैट मार्गला हिल्स आर द फुट हिल्स ऑफ हिमालय है ना. एंड मार्गला हिल्स आर फेमस हाइकिंग ट्रैक इन इस्लामाबाद ठीक है. ये सारी बातें हम मार्गला हिल्स के लिए लिख सकते हैं. So you may write that Margalla Hills are located in the north of Pakistan. Margalla Hills are located in the north of Pakistan or क्या हो सकते हैं
ये हो सकता है ना, मार्डला हिल्स आर द foothills of Himalaya. Himalaya. Himalayas. Margala Hills are located in the north of Pakistan, and Margala Hills are the foothills of Himalaya. Write two sentences about Margala Hills. Margala Hills are located in the north of Pakistan, and Margala Hills are the foothills of Himalaya. Clear? Okay. Okay, now let me raise a board and we'll be doing last question, question number four now. Name any two famous landmarks of Islamabad. Now tell me any names of any two famous landmarks, यानी ऐसे जो important places हैं इस्लामाबाद में, उसी किसी दो के नाम बता दीजिए. हमने बहुत से पढ़े ना, हमने शाह फैसल मॉस्क पढ़ा है, इस्लामाबाद जू के बारे में, दामन इको पार्क के बारे में, शकरपड़िया के बारे में, हमने पीर सुहावा के बारे में, ठीक है, वहां रावल डैम है उसके बारे में. तो we have to start our answer from the question part. ठीक है, two famous landmarks of Islamabad are, कौन कौन से लिखेंगे हम, ये अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं. मैं लिख रही हूं शाह फैसल मॉस्क, आप चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको वही कॉपी करनी है जो हम कह रहे हैं. यू विल चेंज शाह फैसल मॉस्क एंड इस्लामाबाद ज़ू. ठीक है, name any two famous landmarks of Islamabad. Two famous landmarks of Islamabad are Shah Faisal Mosque and Islamabad Zoo. Now that is your work for today, that you have to write four questions plus their answers in your notebooks neatly. Please be sure that you are writing correct spellings and writing neatly. Okay? That's it for today. Allah Hafiz.